हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी पाइन एप्पल की चटनी बनकर। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। पाइन एप्पल चटनी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फ्रेश ऐसे पाइन एप्पल आधा पोर्शन ऐसे छोटा छोटा स्क्वायर शेप से कट के रखा। 2 चम्मच शुगर लिया, ये मीठा बनाऊंगी इसके लिए। और 2 चम्मच किशमिश और मसाला में 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक बट टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मीठा में थोड़ा नमक ऐड करने से मीठा का स्वाद इन्हेंस हो जाता है। और एक भाजा मसाला है, मीन्स सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी ड्राई रोस्ट करके पीस के 1/4 टीस्पून मैं यूज़ करूँगी। कढ़ाई में पहले जो छोटा पीसेस में पाइन एप्पल काट के रखा था ऐड कर दिया। सब में शुगर ऐड कर देती हूँ। शुगर मेल्ट होके जो पानी रिलीज हुआ और 2 चम्मच पानी ऐड किया क्योंकि पाइन एप्पल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी जो ड्राई मसाला लिया था सारा ड्राई मसाला ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ तो बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। इसमें ऐड करूँगी जो किशमिश भिगो के रखा था, सारे किशमिश ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है लेकिन जो पाइन एप्पल का चटनी होता है ना उसमें किशमिश ऐड करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो ऐड कर दिया। और 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी गैस बंद करके सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। टेस्टी चटपटा पाइन एप्पल की चटनी बन के रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।